मैं हूँ आसिफ अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं मुमताज़ कादरी साहब के दरबार पे और आज आपको यहाँ का व्यू करवाते हैं। जब भी आप मुमताज़ कादरी साहब के दरबार पे आएंगे तो अगर आपने रास्ता जानना है तो सबसे पहले आपको बारहकाऊ आना पड़ेगा। बारहकाऊ स्टॉप से आपने सेमरीडम रोड पर होना है और सेमरीडम रोड से आपने तकरीबन 3 किलोमीटर तक आगे आना है। सबसे पहले श्री चौक आएगा, फिर कलमा चौक आएगा और उसके बाद आएगा ठाल। ठाल स्टॉप से थोड़ा सा पहले ही आपको बोर्ड देखने को नज़र आ जाएगा, तो आपने इस बोर्ड से ये वाला जो बोर्ड है इससे आपने लेफ़्ट होना है और आपको सोसाइटी से अंदर आके सोसाइटी के एंड में दरबार देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। आप जो ही गेट से एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करें और सामने ये मेन एंट्रेंस गेट है और लेफ्ट साइड पे आपको सबसे पहले दरबार आएगा, फिर मदरसा आएगा और फिर मस्जिद जो है वो आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। मज़ार की एक लुक वाली जगह आप देखेंगे तो आपको एक अलग सी फील आएगी। इतना खूबसूरत तैयार किया हुआ है इन्होंने, एक्सपेंसिव मार्बल और सारा काम करवाया है। यहाँ के इंतज़ामात जो हैं वो कादरी साहब के भाई और उनके फादर जो हैं वो खुद देखते हैं और रोज़ाना मॉर्निंग में 2 बजे तक, सुबह से 2 बजे तक उनके फादर यहाँ पे होते हैं और उसके बाद उनके भाई जो हैं वो यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ये सारा काम जो है उन्होंने अपनी निगरानी में करवाया है। ये थे बाहर के मनाजर, अभी अंदर के मनाजर आपको दिखाते हैं। वो थोड़ा सा आगे आ पाएंगे तो ये सबसे पहले आपको मदरसा मिलेगा। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कुरान मजीद की पढ़ने के लिए आते हैं और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो साथ में मस्जिद भी है जो
काफ़ी खूबसूरत है। ये वॉशरूम्स वगैरह हैं, लेडीज़ के लिए भी हैं जो बाज़ार पे आती हैं, और मस्जिद की वॉशरूम्स भी हैं। तो ये मस्जिद है, इसकी तैयारी जो है अभी पूरी तरह कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो काम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।